हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन स्टूडेंट ग्लोब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के 10 प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जो गेट, बार्क और इसरो जैसे रेपुटेड एग्जामिनेशन पे आधारित है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम से। सो वी हैव टू फाइंड द जनरेटिंग फंक्शन फॉर गिवन सीक्वेंस 139 डॉट 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 3 टू द पावर n डॉट डॉट डॉट। तो हम लोग यहाँ पे समझ चुके हैं कि ये सीक्वेंस किस फॉर्मेट में है। तो फ्रेंड्स, ये 3 to the power n के फॉर्मेट में है। तो हमारा जनरेटिंग फंक्शन का जो सीक्वेंस है 1 + 3 + 9 एंड सो ऑन। तो यदि हम लोग जनरेटिंग फंक्शन फाइंड आउट करें, उसका फॉर्मूला और जनरेटिंग फंक्शन होता क्या है, 3 to the power n, क्योंकि जनरेटिंग सीक्वेंस इन द फॉर्मेट ऑफ 3 to the power n है into x to the power n। और इसको यदि हम लोग एक्सप्लोर करके देखें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे n 0 से इन्फिनिटी तक गया है क्योंकि देयर इज नो अपर लिमिट आर गिवेन। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, x to the power 0, 3 × x to the power 1, 3² x² इसको हमने जस्ट एक्सप्लोर किया है। तो ये हमारा जो सीक्वेंस आया जनरेटिंग फंक्शन का, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, हमारे पास ऑप्शन दिया गया है इस तरीके से। सो 4 options आर गिवेन। तो इसका यदि हम लोग डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करें, सो दिस इज नथिंग बट 1/1 - 3x। तो इसको हम लोग समझने के लिए यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट सीक्वेंस को लिया है जिसको आप डायरेक्ट फार्मूला यूज करके आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। तो जैसे फर्स्ट सीक्वेंस है 1/1 - x, तो फ्रेंड ये क्या है, 1 - x to the power -1। तो 1 - x to the power -1 का यदि हम लोग एक्सप्लोर करें तो क्या होता है, तो दिस इज नथिंग बट समेशन ऑफ x to the power i from 0 to infinity। और इसको हम लोग यदि दूसरे तरीके से बोले कि 1 - x to the power -1 का वैल्यू क्या होगा, तो 1 + x + x² + x³ एंड सो ऑन। यहाँ पे हमें फोकस करना कि -1 पावर में है एंड यहाँ पे 1 - x to the power -1 है। तो हम लोग यहाँ पे जितना भी होगा पॉजिटिव वैल्यू होगा, 1 + x + x² एंड सो ऑन। अब यदि हम बात करें सिमिलरली 1 + x to the power -1 का वैल्यू क्या होगा, तो हमें अल्टरनेट माइनस पुट करने पड़ेंगे। जैसे इसका वैल्यू क्या होती है, -1 to the power i, x to the power i। तो i यदि इवन होगा तो वो पॉजिटिव होगा, I odd होगा तो negative होगा। So this is the sequence for 1 + x to the power - i, and उसी तरह से 1 - ax - 1 का value क्या होगा, तो हम -1 के जगह पे हम लोग क्या put करेंगे, a put कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेम सीक्वेंस दिया हुआ था हमारा प्रॉब्लम में 1/1 - 3x। तो एक जगह पे क्या है, 3 है, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आप 1/1 - x² के लिए फाइंड आउट करो, तो इसको भी आप बाय फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हो। और यहाँ पे हमने जनरल एक फॉर्मूला लिया है कि x to the power i क्या होगा, from i 0 to n, तो 1 + x to the power n + 1 / 1 - x। तो अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे मूव करेंगे, होप दिस इज वेरी यूजफुल फॉर यू। सेकंड प्रॉब्लम दिया गया है, एक फंक्शन को मैप किया गया रियल नंबर टू रियल नंबर, डिफाइंड एज f(x = x²+3, देन f इज 4 options आर गिवेन, 1:1 फंक्शन, ऑन टू बाइजेक्टिव और नन ऑफ दिस। तो ऑन 1:1 का मतलब यह है कि fx यदि हमारा एक डोमेन एंड को डोमेन होगा, सपोज दैट इसको यदि हम लोग सोल्व करें तो बहुत ही सिंपल है और इंटरेस्टिंग भी है। तो सपोज दैट कि हमारा डोमेन पार्ट एंड हमारा को डोमेन पार्ट है, एंड ये क्या है, रियल नंबर टू रियल नंबर है। इसका मतलब क्या है कि रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, -1, 0, 1 एंड सो ऑन। तो -1 के लिए हमारे यहाँ पे मैपिंग क्या हो रही है, तो -1 पुट करेंगे तो 1 + 3 = 4, तो 4 पे मैपिंग हो रही है। इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं 0 के लिए 3 पे मैपिंग हो रही है। तो इस तरीके से हम लोग फाइंड करेंगे क्या यहाँ पे भी रियल नंबर आ रहा है सभी के लिए। तो 1:1 हम देख पा रहे हैं कि -1 के लिए 4, यदि हम 1 पुट करें तो क्या होगा, 1 के लिए भी 4 आएगा। इसका मतलब है कि ये 1:1 मैपिंग नहीं हो सकता है। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड ऑप्शन क्या है, ऑन टू फंक्शन, ऑन टू इसका मतलब ये है कि को डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो मैप्ड होने चाहिए। लेकिन हम एक एग्जांपल के तौर पे बात करें, यदि यहाँ पे 2 है तो 2 के लिए कोई भी यहाँ पे प्री इमेज नहीं, इसको हम लोग क्या, इसमें जो भी एलिमेंट हो उसको क्या बोल सकते हैं, प्री इमेज। इसमें जो एलिमेंट हो उसको क्या बोलेंगे, इमेज बोलेंगे। और दिस इज नथिंग बट को डोमेन एंड दिस इज डोमेन। तो 2 के लिए आप फाइंड आउट कर सकते हो कि कोई भी यहाँ पे एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। सो दिस इज नॉट ऑन टू फंक्शन, एंड सिमिलरली दिस इज नॉट बाइजेक्टिव फंक्शन। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, यदि 1:1 नहीं है, ऑन टू नहीं, इसका मतलब बाइजेक्टिव भी नहीं होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। सो पॉजिटिव इंटीजर आर अंडर डिवीजन, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, एंड 4 options आर गिवेन, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, एंटीसीमेट्रिक एंड पार्शियल ऑर्डर। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत बार ऐसे प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। तो रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है, हम लोग इसमें थोड़े ही टाइम में समझ लें। यदि हम लोग सेम नंबर से, और यहाँ पॉजिटिव इंटीजर का सेट दिया गया है, तो सेम नंबर से यदि हम लोग डिवाइड करें तो क्या वो पॉजिटिव इंटीजर होगा, क्योंकि डिवीजन ऑपरेटर पे हमें चेक करना है। तो यस, यदि सेम नंबर, सपोज दैट ए हमने 10 लिया एंड 10 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, मतलब पॉजिटिव इंटीजर ही आ रहा है। एंड सेकंड इज ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, कि यदि कोई नंबर दूसरे नंबर से डिविजिबल है, दूसरा नंबर तीसरे नंबर से डिविजिबल है, इसका मतलब फर्स्ट नंबर तीसरे नंबर से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल के तौर पे भी लिया, a = 5, b = 10, c = 15, जो कि पॉजिटिव नंबर दिए गए हैं। तो 8 / 5 जो रिफ्लेक्सिव के लिए,
ये शो कर रहा कि रिफ्लेक्सिव होगा। ट्रांजिटिव का मतलब कि ए यदि बी से डिवाइडेड है और बी सी से डिविजिबल है, इसका मतलब ए सी से भी डिविजिबल होगा। सो दिस इज ऑल्सो वैलिड। यदि हम एंटी सिमेट्रिक की बात करें तो एंटी सिमेट्रिक में होता है कि यदि आप दो नंबर ए डिवाइड बाई बी इज प्रोड्यूसिंग पॉजिटिव इंटीजर इफ एंड ओनली इफ बोथ नंबर आर इक्वल। सो यदि ए और बी इक्वल होगा इसका मतलब क्या, पॉजिटिव इंटीजर तो आना ही आना है। सो दिस इज ऑल्सो एंटी सिमेट्रिक। बट यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया हुआ है कि पार्शियल ऑर्डर, तो यहाँ पे हम लोग रिफ्लेक्सिव भी देख पा रहे हैं, ट्रांजिटिव भी हो रहा है, एंटी सिमेट्रिक भी हो रहा है। तो पार्शियल ऑर्डर का कॉन्सेप्ट है यदि कोई भी सेट रिफ्लेक्सिव को भी फॉलो कर रहा है, ट्रांजिटिव भी है और एंटी सिमेट्रिक भी है, तो वो सेट होता है और पार्शियल ऑर्डर होता है। और जो सेट रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक होता है उसको हम लोग इक्विवेलेंस ऑर्डर बोलते हैं। सो नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन अ सेट विद साइज 20 इज। सो फोर ऑप्शंस आर गिवेन। सो इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझ लें कि यहाँ पे सेट में कितने नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं, 20 नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसको हम लोग मैट्रिक्स रूप में समझेंगे कि कैसे होगा। तो फ्रेंड्स, रिफ्लेक्सिव एज वेल एज सिमेट्रिक पूछा गया है। तो रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है कि सेम नंबर, जो डायगोनल एलिमेंट हमने यहाँ पे सपोज दैट एन क्रॉस एन का मैट्रिक्स लिया है, तो डायगोनल एलिमेंट उसमें एग्जिस्ट करने चाहिए, तब वो क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। यदि हम लोग सिमेट्रिसिटी की बात करें तो सिमेट्रिसिटी का मतलब क्या होगा कि जो एलिमेंट इधर है उसी ऑर्डर में इधर आना चाहिए। सपोज दैट, तो यहाँ पे टोटल कितने एग्जिस्ट करेंगे, तो एन डायगोनल एलिमेंट को यदि हम लोग हटा दें तो यहाँ पे टोटल कितना बचेगा, तो फर्स्ट रो में एन माइनस वन एलिमेंट, सेकंड में एन माइनस टू एलिमेंट एंड सो ऑन वन एलिमेंट यहाँ पे। तो टोटल सम कितना हो जाएगा, वन से एन माइनस वन का नेचुरल नंबर का सम हो जाएगा, एन बाय टू इंटू एन माइनस वन। एंड सिमिलरली जितना नंबर इधर है उतना नंबर इधर होगा। तो सिमेट्री के लिए क्या होती है कि जो वैल्यू इस कॉर्नर पे होगा वही वैल्यू यहाँ पे होना चाहिए, देन ओनली इट इज सिमेट्रिक। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला यूज करें कि नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन यदि फाइंड आउट करना होता है तो क्या होता है, टू टू द पावर एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू, एंड सिमेट्रिक रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए टू टू द पावर एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू प्लस एन। तो यहाँ पे प्लस एन करने का मतलब क्या है और यहाँ पे रिफ्लेक्सिव रिलेशन में ऐसा क्यों होता है वो हम लोग समझ लें कि टोटल हमें एन वैल्यू को इंक्लूड करना पड़ेगा रिफ्लेक्सिव में, एंड उसके साथ ये हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो इसलिए टोटल पॉसिबिलिटी जो होती है टू टू द पावर, मतलब ये हुआ कि आपको एन इंक्लूड करने हैं एंड आपके पास रिमेनिंग ऑप्शन कितना है, एन बाई टू इंटू एन माइनस वन। तो आइदर आप इसको पिक करें या नहीं पिक करें, तो दो ऑप्शन हमारे पास है। तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, टू टू पावर एन इंटू एन माइनस वन बाई टू। तो ये टोटल रिफ्लेक्सिव होती है। सिमेट्रिक में हमने क्या बोला कि आप टोटल वैल्यू कितनी हो गई, आप यदि इसको पिक कर रहे हो तो इसका मतलब टू टू पावर एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू, एंड आप इसको भी यदि पिक कर लें डायगोनल एलिमेंट को तो प्लस हमने यहाँ पे एन का टू टू पावर एन यहाँ पे किया है, तो टोटल ये हमारा वैल्यू हो गई। तो अब यदि हम दोनों को मिला करके देखें कि हमारा रिफ्लेक्सिव एज वेल एज सिमेट्रिक क्या होगा, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारा फाइनल आंसर होती है। इसके लिए हम लोग प्रूफ, यदि टाइम मिले तो हम लोग बाद में इसके लिए सेपरेट वीडियो भी देखेंगे। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। लेट पी एंड क्यू बी सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट यू एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट पी इज डिनोटेड एज पी टू द पावर सी। फाइन पी इंटरसेक्शन इन अंडर ब्रैकेट पी इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट क्लोज्ड एंड दिस इज टुगेदर एंड इंटरसेक्शन क्यू एंड ओवरऑल कॉम्प्लीमेंट, इसका वैल्यू क्या होगा। तो फ्रेंड्स, सबसे सिंपल तरीका होता है इस टाइप के प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए कि आप कुछ आप एग्जांपल ले लें, एक यूनिवर्सल सेट मान लो एक से लेकर के 10 तक लो, उसमें पी का कुछ वैल्यू इवन नंबर ले लो, क्यू को ऑड नंबर ले लो, एंड पी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, अगर ये इवन नंबर है तो पी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ऑड नंबर हो जाएंगे। यदि ये ऑड नंबर है तो इसका कॉम्प्लीमेंट इवन नंबर हो जाएंगे, उसको आप वैल्यू को पुट करो। और दूसरा तरीका मैं बता रहा हूं कि डिमॉर्गन्स लॉ को यूज करें और बहुत ही सिंपली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो सपोज दैट इंटरसेक्शन को आप मल्टीप्लीकेशन मानो और डॉट मानो, तो इसका मतलब क्या हो गया कि P डॉट यहाँ भी डॉट यहाँ भी डॉट। यदि हम लोग डिमॉर्गन्स लॉ यूज करेंगे तो डॉट इज रिप्लेस्ड बाई प्लस, सो P प्लस। और ये कॉम्प्लीमेंट यदि सभी पे आएगा तो क्या होगा, सबसे पहली बात तो है कि ये हमारा एक साथ है, तो यहाँ पे डॉट P डॉट Q कॉम्प्लीमेंट, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। और उसके बाद ये जब डॉट हम इसको एज्यूम किए हैं तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्यू कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। वंस अगेन डिमॉर्गन्स लॉ यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पी कॉम्प्लीमेंट प्लस, इस पे भी कॉम्प्लीमेंट होगा। तो इसको हम लोग फिर से यदि ब्रेक करें तो ये हो जाएगा पी कॉम्प्लीमेंट प्लस क्यू कॉम्प्लीमेंट, का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, क्यू होगा, और ये क्यू कॉम्प्लीमेंट। तो पी हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि Q प्लस Q कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो फ्रेंड्स, Q कॉम्प्लीमेंट एंड Q का सम 1 होता है, और 1 में आप किसी नंबर को आप ऐड कर रहे हो तो इसका मतलब क्या होगा, 1 ही होगा। इसका मतलब यूनिवर्सल सेट हमारा इससे आ रहा है। तो आंसर सी इज करेक्ट ऑप्शन। आप दूसरे तरीके से जो आपको हमने बताया उसको भी आप फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम अ सेट ऑफ 8 एलिमेंट टू सेट ऑफ 10 एलिमेंट इज। तो हमें यहाँ पे नंबर ऑफ फंक्शंस आइडेंटिफाई करने हैं कि दो सेट दिए गए हैं। सपोज दैट यहाँ पे हमारा एक सेट है जिसमें 8 एलिमेंट है और यहाँ पे 10 एलिमेंट दिए गए हैं। सो दिस इज ए एंड दिस इज बी। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस क्या होंगे, तो फंक्शंस का कॉन्सेप्ट है कि इसमें जितने भी डोमेन में एलिमेंट दिए गए हैं वो मैप्ड होने चाहिए। तो यहाँ पे
सपोज दैट एम एलिमेंट है, तो इसके पास टोटल हर एलिमेंट के लिए टोटल एन ऑप्शन है, हमारे यहाँ पे एन को डोमेन एलिमेंट दिए गए हैं, तो ये किसी एन एलिमेंट पे जा सकता है, किसी भी एन एलिमेंट पे जा सकता है, इसका मतलब इसके पास एन ऑप्शंस है। सेकंड नंबर, इसके पास भी क्या है, कहीं भी ये मैप हो सकता है एन एलिमेंट पे, इसके पास भी एन एलिमेंट ऑप्शन है, और दूसरी तरह से जितने भी एलिमेंट हैं वो उसके पास एन ऑप्शंस है, तो इसका मतलब टोटल फंक्शंस कितने जनरेट हो जाएंगे, तो फर्स्ट के लिए एन, उस तरह से सेकंड के लिए भी एन, थर्ड के लिए भी एन, कब कहाँ तक एम तक जाएगा, इसका मतलब क्या, एन टू द पावर एम हमारा टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस होते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि 8 आइटम है, इधर 10 आइटम है, तो हर किसी के लिए 10 ऑप्शंस होंगे, सो 10 टू द पावर 8 इज करेक्ट ऑप्शन। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द सेट 1 टू 10 विथ इवन कार्डिनलिटी इज, तो ये बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग भी है, नॉलेजफुल क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे। इस टाइप के प्रॉब्लम एक नंबर में पूछे जा सकते हैं गेट जैसे एग्जामिनेशन में। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे 10 नंबर का सेट दिया गया है, बोला गया कि इवन कार्डिनलिटी के साथ कितना सबसेट पॉसिबल है, तो यदि एन सबसेट और एन एलिमेंट दिए गए हैं किसी सेट में, तो टोटल टू टू द पावर एन सबसेट पॉसिबल होते हैं, जिसमें इवन नंबर भी इंक्लूड किए गए हैं और ऑड नंबर भी इंक्लूड किए जाते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि सिर्फ इवन कार्डिनलिटी के साथ क्या होगा, तो 10 नंबर के साथ टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे, 2 to the power 10 बनेंगे, तो उसमें यदि इवन और ऑड क्या होगा, इक्वल इक्वल आएगा, सो 2 to the power 10 - 1, इसका मतलब 2 to the power 10 by 2, सो 2 to the power क्या हो जाएगा, 9 इज करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे ओनली इवन और ओनली ऑड का, हाँ इक्वल इक्वल होगा, इसलिए हमने 2 से डिवाइड कर दिया। अब हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि ग्रुप थ्योरी से लिया गया है, और ये इससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पे रिमेनिंग क्वेश्चन भी देखेंगे, 3 क्वेश्चन ग्रुप से ही है। सो अ बाइनरी ऑपरेशन ये दिया गया है, एक बाइनरी ऑपरेशन है डिस्क्राइब्ड एज ए, दिस ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी और ए मल्टीप्लाइड बाई बी मोड 5 ओवर अ सेट ए इज इक्वल टू 1, 2, 4, 7, 8, 11, 13, 17 इज, एंड 4 ऑप्शंस आर गिवन, क्लोज्ड, सेमी ग्रुप बट नॉट मोनोइड ग्रुप एंड नन ऑफ दिस। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के पहले हम लोग समझ लें कि क्लोज्ड क्या होता है, सेमी ग्रुप क्या होता है, ग्रुप एंड मोनोइड क्या होता है। तो फ्रेंड्स, क्लोज्ड का मतलब यह है कि जो भी ऑपरेशन दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग जो भी रिजल्ट आ रहा है दैट शुड बी इन दी गिवन सेट। यदि हम लोग यहाँ पे ए एंड दिस ऑपरेशन इज गिवन, तो इसका जो वैल्यू आएगा ए क्रॉस बी मोड 15, उसका जो रिजल्ट आएगा वो इसी सेट में होना चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे क्लोज्ड है। सेमी ग्रुप का मतलब ये होता है कि क्लोज्ड के साथ, और क्लोजर बोलते हैं क्लोजर के साथ साथ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होना चाहिए, तब हम लोग क्या बोलेंगे, सेमी ग्रुप होता है। यहाँ पे हमने नोट भी बनाया है, दो सेमी ग्रुप किसको कहेंगे, क्लोजर भी होना चाहिए एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करें। एंड थर्ड कॉन्सेप्ट आई हैव टेकन हियर, मोनोइड क्या होता है, तो मोनोइड का जो कॉन्सेप्ट है सेमी ग्रुप के साथ साथ आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करने चाहिए। तो आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब क्या होता है, तो किसी भी एलिमेंट के साथ आप यदि उस आइडेंटिटी के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तो सेम नंबर आना चाहिए, तो आइडेंटिटी कहलाता है। उसी तरह से ग्रुप होने का क्या कंडीशन होना चाहिए, कि मोनोइड होना चाहिए, उसके साथ साथ इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। इनवर्स का क्या मतलब है, कि किसी भी नंबर और जो सेट में दिए गए हैं कोई एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करना चाहिए जिसके साथ ऑपरेशन परफॉर्म किया जाए तो आइडेंटिटी एलिमेंट प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पे हमने अज्यूम किया कि ए नंबर है, उसके आई के साथ हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो आई क्या कहलाएगा, इनवर्स कहलाएगा यदि इसका रिजल्ट आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा हो। तो यदि हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल्स में फोकस करें, तो सपोज दैट कि आपको एडिशन करने हैं, तो एडिशन के लिए और वो पॉजिटिव इंटीजर दिया, नेचुरल नंबर सॉरी रियल नंबर दिए गए हैं, तो उस केस में हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो जाएगा, जीरो होगा, क्योंकि जीरो से आप ऐड करेंगे तो सेम नंबर जनरेट होगा। यदि हम बात करें मल्टीप्लिकेशन की, तो मल्टीप्लिकेशन के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो जाएगा, 1 होगा, क्योंकि 1 से आप किसी भी एलिमेंट में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, सेम नंबर जनरेट होगा, लेकिन ये पॉजिटिव इंटीजर होगा तब। उसी तरह से ग्रुप इनवर्स की हम यदि बात करें, इनवर्स क्या हो जाएगा, कि किसी भी नंबर में आप सेम नंबर से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 1 आएगा। तो डिवीजन के केस में हम लोग देख पा रहे हैं कि सेम नंबर से यदि डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट हम लोग एज्यूम किया। यदि हम लोग एडिशन की बात करें, कि एडिशन में इनवर्स क्या होगा, तो यदि रियल नंबर दिया गया है तो हम लोग किसी भी नंबर के साथ यदि उसका ओपोजिट साइन के साथ हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और ऐड करेंगे तो क्या होगा, हम 0 आएगा। तो ये डिपेंड करता है कि जो दिया गया है, कि रियल नंबर दिया गया है, पॉजिटिव इंटीजर दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग ये डिपेंड करता है। तो अब चलिए हम लोग इसको सॉल्व करें, तो हमारा ऑपरेशन क्या है, ए क्रॉस बी मोड 15, तो क्या ये क्लोज्ड है क्या। तो यदि हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट 4 एंड 11 को चेक करें, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 11 मोड 15,
तो ये क्या हो जाएगी वैल्यू 44 mod 15, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा 14 आ रहा है, मतलब रिमाइंडर कितना बचेगा 14 आएगा। तो 14 इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस सेट, इसका सेट जब है ही नहीं तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो जब क्लोजर ही नहीं है तो हमें आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। सो ऑप्शन सो डी इज करेक्ट, नन ऑफ दिस। एंड एक और कॉन्सेप्ट है एवेलियन ग्रुप, तो एवेलियन ग्रुप जो होती है वो ग्रुप होगा एंड उसके साथ यदि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा देन दिस इज कॉल्ड एवेलियन ग्रुप। सो ग्रुप प्लस कम्यूटेटिव, तो इसको हम यदि याद कैसे करें, तो पहले पहला प्रॉपर्टी क्या है क्लोजर हो, ठीक है। सेमी ग्रुप कब होगा जब क्लोजर के साथ साथ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यदि हो। मोनोइड क्या होगा सेमी ग्रुप के साथ साथ आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता हो। ग्रुप क्या होता है मोनोइड के साथ इनवर्स एग्जिस्ट करता हो। एंड एवेलियन ग्रुप क्या होता है ग्रुप के साथ, मतलब ग्रुप का प्रॉपर्टी जो है वो होना चाहिए प्लस कम्यूटेटिव होना चाहिए। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन आर, और रियल नंबर दिया गया है एंड ऑपरेटर इज डिवीजन विद बाउंड्री ऑपरेशन डिवीजन ओवर द सेट ऑफ रियल नंबर एंड फोर ऑप्शंस आर गिवन। दिस इज अ सेमी ग्रुप बट नॉट मोनोइड, मोनोइड बट नॉट ग्रुप, ग्रुप बट नॉट एवेलियन ग्रुप एंड ऑप्शन डी इज एवेलियन ग्रुप। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग यदि डायरेक्ट चेक करें कि क्या ये क्लोजर होगा, तो जब भी हम लोग किसी रियल नंबर को डिवाइड करेंगे तो रियल नंबर ही आएगा, इसका मतलब ये क्लोजर है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिवीजन में होगा यहाँ पे रियल नंबर के लिए। आइडेंटिटी एलिमेंट की यदि हम बात करें तो आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करेगा। एंड यदि इनवर्स की बात करें तो नो इनवर्स फॉर जीरो, यहाँ पे हम लोग लिए हैं कि जीरो के लिए कोई इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा इस प्रॉब्लम के लिए। तो इसका मतलब यह है कि जब इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो वो क्या ग्रुप नहीं हो सकता है। लेकिन अब हम लोग देखेंगे क्यों ऐसा है। फ्रेंड्स आइडेंटिटी एलिमेंट यदि हम लोग यहाँ पे चेक करें तो क्या होगा वन होगा, क्योंकि किसी भी रियल नंबर से को आप रियल नंबर से डिवाइड करें तो क्या होगा वन आएगा। इसका मतलब क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा वन आए, और सॉरी यदि हम लोग किसी आइडेंटिटी एलिमेंट से डिवाइड करें और वन हमारा जैसे एज्यूम किया तो क्या है सेम नंबर प्रोड्यूस करेगा। यदि इनवर्स की बात हम करें सपोज दैट जीरो के लिए किसी भी नंबर में, और जीरो इज ए नंबर, उसमें आप यदि डिवाइड कर रहे हो किसी नंबर से और इनवर्स किसी नंबर से, तो आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। तो आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पे हमारा क्या है वन है, तो वो कौन सा नंबर है जिसमें आप जीरो से जीरो में डिवाइड करेंगे वन प्रोड्यूस करेगा, तो ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। मतलब जीरो में किसी नंबर से डिवाइड करने के बाद वन नहीं आ सकता, और वन हमारा क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो इनवर्स इसी यही रीजन है कि ये जीरो के लिए एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, मोनोइड बट नॉट अ ग्रुप। नाउ लास्ट क्वेश्चन दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू ग्रुप, कंसिडर द बाइनरी ऑपरेशन ओवर सेट ऑफ जेड एन, एंड जेड एन को डिफाइन किया गया है 0 to n-1। ये ऑपरेशन को डिफाइन किया गया है ए ऑपरेशन बी, ए प्लस बी होगा यदि ए प्लस बी का सम लेस देन एन है, और ए प्लस बी माइनस एन होगा यदि ए प्लस बी का सम ग्रेटर एंड इक्वल टू एन है। तो फोर ऑप्शन आर गिवेन, तो अब हम यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि क्या एक क्लोज्ड है। सो फर्स्ट ऑप्शन नॉट क्लोज्ड, नॉट अ ग्रुप, एवेलियन ग्रुप, ग्रुप बट नॉट एन एवेलियन ग्रुप। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग चेक करें कि क्या क्लोज्ड होगा या नहीं होगा। तो यदि सपोज दैट जीरो एंड वन को ऐड करें तो क्या होगा एन से हमारा कम आ रहा सम, क्योंकि हमारा एन माइनस वन तक लिमिट है, तो उसी सेट में आ रहा है। इसका मतलब क्या है ये क्लोज होगा, किसी भी आप नंबर को ऐड कर लो, सपोज दैट लास्ट टू नंबर को ऐड करोगे तो लास्ट टू नंबर का एडिशन क्या होगा एन माइनस एन से क्या होगा ऊपर जाएगा, तो वहां पे लोग फिर से एन घटा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी नंबर आएगा वो फिर इसी सेट में बिलोंग करेगा, सो दिस इज अ क्लोज्ड। क्या ये एसोसिएटिव है, यस एसोसिएटिव ही है, क्योंकि इस ऑपरेशन के साथ आप ऐसे चेक कर सकते हैं। या तो आप पहले इसको कर लो या इसको कर लो, और ये तीनों का सम क्या होना चाहिए लेस एंड इक्वल टू यदि एन आया तो इसके अकॉर्डिंग आप ब्रेक करेंगे। सो ए प्लस बी प्लस सी, यदि ग्रेटर एंड इक्वल टू एन हुआ तो ए प्लस बी प्लस सी माइनस एन करेंगे तो ये भी क्या होगा इक्वल फॉलो करेगा। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यदि हो रहा है इसका मतलब क्या है सेमी ग्रुप है। एंड थर्ड प्रॉपर्टी यदि आप इसमें चेक कर पाए कि एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है नहीं, तो आप किसी भी नंबर में आप जीरो के साथ करेंगे तो क्या होगा ए, और उस नंबर को जीरो के साथ आप ऐड करो तो वही नंबर आएगा। इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि दिस इज मोनोइड ऑल्सो, एट यदि हमें इनवर्स पता चल जाए तो क्या इनवर्स इसमें एग्जिस्ट करता है। उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि आप कोई एक ऐसा नंबर लें जिसको आप ऐड करेंगे और ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए, मतलब जीरो आना चाहिए। तो फ्रेंड्स आप एक ऐसा नंबर ले लें सपोज दैट एन बाई टू, कोई हमारा बीच का नंबर होगा, दो नंबर होंगे, और वो यदि एन से ज़्यादा जाए तो यहाँ पे क्या होगा इसी में आएगा, और उसे यदि हम लोग एन सब्ट्रैक्ट करें तो जीरो आने के चांसेस है, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। तो आप कोई भी दो नंबर लें और उसमें एन आप भराएंगे तो आ सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, आएगा इसमें। तो इसका मतलब क्या है कि इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब क्या है जब इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो ये ग्रुप भी होगा। अब हम लोग यदि चेक करें एवेलियन ग्रुप के लिए, अभी अभी हमने आपको प्रॉपर्टी बताया था कि वो ग्रुप भी होता है और कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। कम्यूटेटिव लॉ इसमें होगा क्योंकि ए ऑपरेशन बी इज नथिंग बट सेम एज बी ऑपरेशन ए अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस, तो ये भी फॉलो हो रहा है। इसका मतलब क्या है ये एवेलियन ग्रुप भी है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस
वीडियो लेक्चर कि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को हम लोग रिवाइज कर पाएँ। सो किसी तरह का आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।